ओके ओके ज्वाइन कर लिया। जी सर ओके तो ये ग्रुप पेज आपका बन गया, क्रिएट हो गया। इसमें इवेंट्स आप ऐड कर सकते हो। तो कम्युनिटी बिल्डिंग का भी पूरा एक मॉड्यूल होता है इसमें, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह कम्युनिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। उसका जस्ट और भी देता हूँ। फेसबुक क्या है, पूरा एक मार्केट प्लेस है, हब है। तो उसके अंदर बहुत सारे लाखों तादाद में ग्रुप्स बने हुए हैं। तो फेसबुक एंगेज करता है अपने पेजेस की ऑडियंस को बनाने में। आप एड रन करते हो, एड रन करके फेसबुक नहीं चाहता है कभी मेरी ऑडियंस कहीं और भाग जाए, बल्कि जो उसकी ऑडियंस है वो वहीं पर रहे। तो फेसबुक ने ग्रुप बनाने का, कम्युनिटी मैनेजमेंट का पर्पस ही यही रखा है। अब इसमें थोड़े लैग भी है, लोग व्हाट्सएप पे नंबर लेने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, या व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा प्राइवेसी रहती है। तो आप डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह या व्हाट्सएप ग्रुप में इस लिहाज से है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ग्रुप बनाते हैं। अब आप एज अ एजेंसी अपनी कम्युनिटी को कैसे ग्रो करोगे? तो आप एज अ एजेंसी ही अपने पेज को स्विच करके और इसको ज्वाइन करते हो, ठीक है? और वहाँ फिर आप लोगों को कनेक्ट करोगे, वहाँ फिर आप लोगों को जो है एड वैल्यू करोगे उस लिहाज से रेलिवेंट ग्रुप में, और फिर वहाँ आप उनको अगेन एंड अगेन उस लिहाज से चेक करोगे कौन सा ग्रुप पब्लिक है, कौन से ग्रुप में 3 पोस्ट हुए इस वीक में, 10 पोस्ट हुए इस हफ्ते, 6 महीने में 6 पोस्ट हुए, ठीक है, 3 पोस्ट हुए। तो आप इस लिहाज से मजीद इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करके जो ज़्यादा पोस्ट हो रहे हैं, इंगेजमेंट ज़्यादा है उन ग्रुप की, वहाँ आप भी जाके एज एजेंसी लोगों को वैल्यू ऐड करोगे, कहीं ना कहीं बात कर रहे होंगे, तो आप कनेक्ट करोगे इस तरह और ग्रुप को फॉलो करोगे, एक्टिविटीज करोगे, तो वो उस डिस्कशन का पार्ट आप भी बनोगे। कि आप एज एजेंसी कुछ प्रोजेक्ट चाहिए तो आप लोगों को हायर करोगे, आप एज एजेंसी कुछ प्रोजेक्ट दे रहे होंगे, ले रहे होंगे, तो आप अपनी कम्युनिटी को बिल्डिंग आप कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जाकर डिफरेंट टीम वर्क के साथ आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते हो, ठीक है? अब फिर जो आपके जो नोटिफिकेशन होंगे, फीड्स होंगे आपके होम पेज पे जिसको आपने फॉलो किया है, तो उस लिहाज से वो चेंज होते जाएंगे। रादर के आपने कभी किसी को फॉलो नहीं किया किसी को, तो आपके नोटिफिकेशन होम पेज पे उस लिहाज से नहीं होंगे, ठीक है? पेजेस के अंदर आपके पास सेटिंग्स के अंदर आपके कवर पेज है, डिफरेंट पेजेस है, डिफरेंट आप मार्केटिंग के पेजेस बनाते हो, डिफरेंट लोगों के पेजेस मैनेज करते हो, ठीक है? कुछ पेज पब्लिश होते हैं, कद अनपब्लिश होते हैं, तो आप उसको आप अगेन एंड अगेन हेल्प कर सकते हो उसको, और डिफरेंट पेजेस को उसके लिहाज से हेल्प करोगे इसमें। डिफरेंट पेजेस के लिहाज से आप डिफरेंट कम्युनिटी सिस्टम है, ठीक है? लाइक जिस तरह ऑफिस का पेज है तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, उसके कवर पेज है, इन्फॉर्मेशन है, व्हाट्सएप इसको कनेक्ट किया हुआ है, लाइक उस लिहाज से किया हुआ है, ठीक है? अबाउट सेक्शन में मेंशन की हुई डिटेल्स कि आप किस लिहाज से, क्या एड्रेस है, क्या लोकेशन है, तो ये सारी चीज़ें आप सेटअप करोगे। इंस्टाग्राम से इसको कनेक्ट कर दिया, वेबसाइट ऐड कर दी है इसमें, ठीक है? लोगों ने टेस्टिमोनियल दिए हैं और फोटोज़ वगैरह अपडेट आप करते गए कंटिन्यू, उस लिहाज से आपके जो चीज़ें हैं, वीडियोस हैं, अब कंटिन्यू फ्लो में, और उसका जो है ग्रुप भी है रेलेवेंट, इस ग्रुप में एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है? अगेन ग्रुप के अंदर जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ग्रुप्स में जो लोग हैं वो एवरीडे कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें ग्रुप में ज्वाइन करके या फॉलो करके आप सीख सकते हो और उसको लर्न कर सकते हो सर, ठीक है? तो ये ग्रुप का और कम्युनिटी का फ़ायदा होता है कि आपके पास फॉलोवर्स जितने आपके पास एज अ ग्रुप में नहीं है, लोग ज़्यादा ग्रुप में ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं, या फिर ज़्यादा कनेक्शन आपके
आपके पेजेस पे है, ठीक है। तो कम्युनिटी बिल्डिंग में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ट्रैफिक है, तो आप ट्रैफिक को डिफरेंट डिफरेंट अनाउंसमेंट करके डिफरेंट चीज़ों की वजह से आप उसको लेके आते हो। सेटिंग, अगेन सेटिंग्स को आप सेटअप कर सकते हो अगेन, पहले हाथ से नाम को, प्राइवेसी सेटिंग को, इसकी इनबॉक्स की सेटिंग को, ठीक है। तो ये एक पेज क्रिएट करो अपनी मर्जी से, या तो आप लोग तीनों हो, चारों हो, जितने हैं, एक मिलके एक एजेंसी बना लो। आइडिया है कि एक एजेंसी बना लो, उस पर काम करना शुरू कर दो, उसका नाम कह दोगे आप, एज अ ग्रुप बेस्ड काम करो, क्योंकि तो कहीं ना कहीं ग्रुप बेस्ड काम कर रहे होंगे तो एफर्ट्स कम लगेंगे, रिजल्ट जल्दी निकलेगा। और जो एज अ गोल आप जो चाह रहे हो कि आपकी इनकम हो, ज़्यादा इनकम हो, तो आपके उस रोल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, एक ज़्यादा बोलता होगा, एक ज़्यादा जो है डिज़ाइन्स को, चीज़ों को, काम को करने में, फॉलोअप में स्ट्रांग रहे, एक जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लिहाज से डाइवर्ट साइट पे ऑपरेशंस को देख ले, लेकिन सारे एक साथ अलग अलग काम को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे, और बैकअप में एक दूसरे के सारे काम पता भी हो कैसे करने हैं, इन केस किसी का फटा हो, कुछ हो, तो ऑफ कोर्स हम उस चीज़ को चेंज भी कर सके अपनी मर्जी से। आप इंडिविजुअल काम करना चाह रहे हैं, पेस सबका अलग अलग मिजाज होता है, नया स्टॉल है ये, ठीक है। तो आप ब्रेकअप भी कर सकते हो उसको एजेंसी को, ज़रूरी नहीं कि उस एजेंसी के साथ आप लेकर पूरी ज़िंदगी भर अटकोगे। अभी क्लास में तो हमने यही सीखा था, इट्स नॉट लाइक दैट। आप जैसे ह्यूमन नेचर है, हर डे झगड़े होते हैं, आप एग्री करते हो एक दूसरे के साथ, तो आप काम के लिए दूसरों को काम करने के लिए ग्रुप में, टीम वर्क में काम करो। जहाँ लोगों को इंडिविजुअल की नीड है, तो इंडिविजुअल भी जो है हेल्प हो सकती है। जिस तरह नॉर्मली हम क्या करते हैं, बाइक ठीक कराने जाते हैं, तो एक जगह दो लोग मिलकर बाइक ठीक कर रहे होते हैं एक ही बाइक को, इसी तरह वही चीज़ें सोशल मीडिया पे हो, वही सर्विसेज टीम मिलकर आपकी सर्विसेज कर रही है, आपकी सर्विसेज को हेल्प आउट कर रही है, आपके इंगेजमेंट बूस्टिंग पोस्टर्स बनाने में, और वही एक बंदा मिलकर अकेला कर रहा हो, या एक कंपनी हो जो बहुत ज़्यादा पैसे भी ले रही हो और वो टीम सपोर्ट भी दे रही है लेकिन पैसे ज़्यादा हो। तो ऑफ कोर्स कुछ स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं नए नए, डिस्काउंट्स और वो चीज़ों के लिहाज से इनिशियली वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ऑफ कोर्स आपके लिहाज से आपको उस कैटेगरी में आते हैं कि भाई वो आपसे ही काम करवाना चाहेंगे जब आप टीम वर्क में काम कर रहे हो, या आप उस चीज़ को प्रोड्यूस ज़्यादा अच्छे से करते हो, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज इस तरह कर सकती हैं। तो आज मेरे दोस्त ने मुझे कॉल भी किया था, यूके में होते हैं, यूएसए में, तो उनकी कोई एजेंसीज वगैरह है कंसल्टेंसी की, तो उनको भी नीड है, तो उनसे मैं बात कर लूँगा, उनको एक प्रपोजल दे दूँगा कि पोस्टर्स बनाए, मार्केटिंग करें, तो अगर वो प्रोजेक्ट आ जाता है तो उस पर लाइव प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे, और उसका एक केस स्टडी भी प्रैक्टिकली आप लोग को साथ में लेके चलेंगे इस पर, ठीक है। जहाँ तक कोई क्वेश्चन या पूछना है, नो सर, ये जो बताया आपने। तो फेसबुक पेज बनाओ, अपने ही पेज को अपग्रेड करो, अपने कवर पेज को अपग्रेड करो, और इसमें जो है उस चीज़ को, और पेज की सेटिंग्स को देखो, पेजेस क्रिएट करो, तो एजेंसी एज अ ग्रुप में बेस्ड काम करने में सही रहेगा आप लोगों को, है जी सर जी, इंशाल्लाह ग्रुप ना। स्टडी भी अच्छी है, इंशाल्लाह ग्रुप स्टडी करेंगे। हाँ, क्योंकि इंडिविजुअली काम करोगे तो मज़ा नहीं आएगा इस तरह, एजेंसी बेस्ड या इंडिविजुअली एक बंदा ज़्यादा मार्केटिंग कर ले, ये चीज़ें कर लो आप, तो दो दो दिन, तीन तीन दिन, अलग अलग तीनों मिलके अलग अलग प्रोजेक्ट पकड़ोगे ना, आपका एक अलग प्रोफाइल है, उसका अलग प्रोफाइल है, आप अलग अलग ग्रुप से और अलग अलग जगह एडवर्टाइज कर रहे होंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको प्रोजेक्ट ज़्यादा मिल रहे होंगे, आप लोग अपनी इंडिविजुअल मार्केटिंग भी करते रहो, अपनी एजेंसी की भी करते रहो, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो आप लोग अलाइन होंगे, इसके अलावा दूसरे और मार्केटर्स है, चीज़ें हैं, मैं भी साथ हूँ, तो चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप वही प्रोजेक्ट आप कर पाओ, ये आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर मैं साथ हूँ तो आपको हेल्प करता रहूँगा कि उस चीज़ को हम कैसे कर पाए, ठीक है। तो ऑन हैंड उस
प्रोजेक्ट का लेने का पर्पस क्या है, पंगा लेने का मार्केट में, क्या हमें काम आता है पहले से, हमें क्यों बोलने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपरली हम एक्सपेरिमेंटली लोगों को हेल्प करें, पैसों की भी हम अभी फिलहाल फिक्र ना करें, क्या चीज़ें हैं जो स्मॉल बिजनेस है, न्यू स्टार्टर है या चीज़ें हैं उस चीज़ के लिए, उनको एटलीस्ट हम पेजेस बना के दे दें एज अ गिफ्ट के तौर पर, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, और उनसे फीडबैक ले लें कि हमने काम कैसे किया, अच्छे से किया, आपसे कम्युनिकेशन कैसे किया, उससे हमारा एक टेस्टिमोनियल बन जाएगा आपकी एजेंसीज का, काम का, टीम वर्क का, ठीक है। उसमें और मजीद क्या फायदा है, आपको एक तो खुद कॉन्फिडेंस होगा, हाँ भाई हमने किसी का काम कर दिया, ठीक है, ये जो खुशी होती है, और इसी चीज़ के अगर वो थोड़े पैसे भी देने को तैयार हो जाता है, मान जाता है, बहुत सारे लोग तो जो डिजिटली ऑनलाइन नहीं है अभी, और इसी तरह वही चीज़ें आप एक्सपीरियंस होते होते जब कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा, हम फाइनल प्रोजेक्ट पर भी जा रहे होंगे, फाइनल है, अपवर्क है, और फाइवर है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, फ्रीलैंसिंग के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी डायरेक्ट क्लाइंट्स भी मिल रहे होंगे बाहर के, तो ऑफ कोर्स हम बाहर के क्लाइंट को थोड़ी फ्री में काम करके देंगे, तब तक हमें स्किल्ड एक चीज़ों के लिहाज से 50 पेज बना लेंगे। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेटली कितने लोगों को हेल्प करते हो, और डेली का अगर एक पेज बनाते हो तो एक दिन दो दिन में पेजेस बना के दे सकते हो, उसकी मार्केटिंग अगर एड्स रन करना है किसी के लिए तो उसकी रिसर्च करने के लिए इट्स टेक टाइम, 3 डेज 2 डेज भी लगते हैं, लेकिन आपको जैसे जैसे केस स्टडीज आप करते जाओगे, अगर आपने 50 पेज बना लिए किसी के लिए, चाहे फ्री में पेड हुए आप जैसे जैसे, तो ऑफ कोर्स 10-20 पेजेस के बाद आप ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट काम तो नहीं करोगे ना, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो अनटिल अनलेस, वो चची का पुपी का बेटा होगा भाई, या वो खुद होगा भाई, हमारे लिए कुछ काम कर दो, तो ऑफ कोर्स आप कॉम्प्लीमेंट्री बना कर दे, तो उससे भी टेस्टिमोनियल पकड़ सकते हो, तो ये चीज़ें भी होती है, क्योंकि सर्विसेज के चार्जेस $5 के भी है, और अच्छी मार्केट्स में आप जाते हो तो उसके चार्जेस ज़्यादा भी हैं, तो ये सर्विसेज आपकी जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आती है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और इसके पैराडाइम्स है, SEO की तरफ तो हम नहीं जा रहे, सोशल मीडिया मार्केटिंग और मार्केटिंग एजेंसीज के अंदर जाते हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर इंटरनेशनली जो प्रैक्टिस होती है, आपका पेज ऑर्गेनिक सेटअप करना है, इंटीग्रेशन है, कंटेंट मैनेजमेंट है, कंसल्टेंटेशन ऑफ ऑडियंस रिसर्च है, शॉपेबल कंटेंट है, एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग है, तो डिटेल में आप उसको और भी मैनेज कर सकते हो, तो हम ज़्यादा फोकस सोशल मीडिया मैनेजमेंट की साइड पे करेंगे, कि आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, एक जनरेटेड कंटेंट को आप किस तरह मैनेज कर पाते हो, ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं, ठीक है, इसके अंदर आप देखो कि इसके अंदर सर्विसेज कितनी हैं, फेसबुक के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, लिंक्डइन के अंदर बहुत कम है, ट्विटर के अंदर और कम है, टिकटॉक मैनेजमेंट की तरफ अभी कोई आया ही नहीं है, सो हम कोशिश करेंगे टिकटॉक मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा जाएँ, और इसी तरह यूट्यूब मैनेजमेंट की तरफ भी जाएं, और इसी तरह अदर प्लेटफॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं, स्नैपचैट ये भी आगे प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के लिहाज से यहाँ भी जो चीज़ें हैं कम है, क्लब हाउस की तरफ भी लोग जो है बहुत सारे बढ़ रहे हैं, तो स्टिल क्लब हाउस मैंने भी यूज़ किया है, आप लोग भी यूज़ करो, तो क्लब हाउस की तरफ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट लोग यहाँ से मार्केटिंग और जनरेट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ आप लोग भी कर सकते हो, बाकी AI वगैरह अलग अलग चीज़ें ट्रेंडिंग उसकी एक कैटेगरी है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप ये सारी जो कैटेगरी अदर कैटेगरी है वो उड़ जाएगी, AI की अपनी एक डिमांड है, ठीक है, मार्केटिंग एडवाइस इस कैटेगरी को भी आप टारगेट कर सकते हो, क्या आप लोगों को मार्केटिंग एडवाइस कर सकते हो, कंसल्टेंसी मशवरे दे सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है, तो वो लिहाज से भी इसके अंदर भी सर्विसेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप किसी को आधा घंटा काम सिखा देते हो, बता देते हो, तो इंटरनेशनली इस चीज़ की भी बहुत वर्थ है, या आप किसी को कोच करते हो, या आप किसी को मेंटोर करते हो, तो नॉर्मली यही काम आप लोकल मार्केट में कर रहे होंगे, कि देखो भाई मार्केटिंग के अंदर जो फनल्स है, चीज़ें हैं, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, प्रैक्टिकल किया होगा, तो वो आप वही हेल्प कर पाओगे, 30 मिनट के 5,000 रुपये, ठीक है,
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट लेके भी 1 घंटे के 7,000 रुपये और 2 घंटे के आपके 12,000 10,000 रुपये। सो ये इंटरनेशनली तो एक्सेप्टेबल है। तो नॉर्मली आप अपने प्राइसिंग को, प्राइस के लिहाज से आप मांगने के लिए आप डरो नहीं, शर्माओ नहीं, खुले मुंह से आप बोल सकते हो भाई कि इतनी चीज़ की इतनी प्राइस है और इतने मैं लूंगा पैसे। तो आप उस प्लेटफॉर्म में अपना एड बना दो, अपने चीज़ों को डाल दो, वैल्यू जो आपको लगता है कि जो आपको बेस्ट आपको प्रैक्टिस करने आ गया है। तो इसी तरह आप लोग तीन लोग भी अगर मिलके एक ही सेम गिग पे कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं वही सेम काम पे ऑर्डर्स भी इस तरह भी आ जाएंगे। या स्पेसिफिकली अलग अलग स्कैटर्ड अकाउंट्स भी जाते हो तो उस लिहाज से वो चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, तो असाइनमेंट क्या रखें, पेज क्रिएट कर लोगे या उसमें भी हेल्प कर दूँ आप लोगों की मैम? फेसबुक पे सर हाँ फेसबुक पेज। हाँ क्या नाम रखोगे, क्या सोचोगे अपनी एजेंसी के लिहाज से? आप या पहले अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल ठीक करो। हाँ फेसबुक प्रोफाइल वाला लिंक करो, जी मुझे लिंक शेयर कर देना उसका। जी चलें ठीक हो गया सर। ठीक है, ताकि उसके कवर पेज और उसके लिहाज से हम प्रेजेंस करें। ठीक हो गया सर। कुछ और रिवाइज करना है, कुछ और पूछना है बता दो। नया बताया तो कुछ पीछे से भी बताया तो फिर यहाँ एंड करें या कुछ और पूछना चाह रहे हो, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं? सर अभी तो नहीं है तो टाइम तो हो गया तो देखने एंड करना। ठीक है श्योर, चले फिर एंड करते हैं। बाकी कोई और चीज़ें पूछनी हो, बताना हो, छोटी छोटी और वीडियोस बना के दे दूँ उस हवाले से, किसी टॉपिक के हवाले से, तो मुझे बता दो ताकि मैं छोटे छोटे वीडियोस भी रिकॉर्ड कर दूँ स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों के हवाले से भी। किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है पिछली क्लासेस में या अभी क्लासेस में? अभी तक के लिए तो नहीं है सर। वो ओवरलैपिंग का जो आपने बताया वो प्रैक्टिस करूंगा मैं उसकी इंशाल्लाह चलो तो डिजाइनिंग्स उस को। तरीके से हाँ जो है। ठीक है यार, डिजाइनिंग्स को और इम्प्रूव करोगे बाकी फिर इंशाल्लाह आप और देखते हैं। तो जितना प्रैक्टिस कर पाओगे, गलतियां कर पाओगे, दिखाओगे, उस तरह वो इम्प्रूव होता जाएगा फिर। जी सर जी ऐसा ही है। ठीक है, बाकी इब्राहिम कौन है? इब्राहिम हसन, आप काफी दिनों बाद आए, खैरियत? कौन नहीं आ रहा था? सर मैं काफी दिनों से देख रहे, मैंने एक लेक्चर नहीं मिस किया। लेक्चर जो है वो मैं रिकॉर्डेड ही लेता रहा हूँ, अच्छा मैंने काफी प्रैक्टिस भी की है। मैं ग्रुप में जो है ना वो शेयर कर दूंगा जो बनाया है पोस्टर मैंने, हाँ, और बाकी मैं सुबह बनाऊंगा पोस्टर वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। कोई हेल्प चाहिए हो, चीज़ें हो बता दिया करो, कुछ कॉल करनी हो, डिस्कस करना हो, डिस्कस भी कर लिया करो, मसला नहीं है। ठीक है, सर आ क्लासेस जाओ इस तरफ में इंशाल्लाह आपको थोड़ी सी। ठीक है सही। चले अनस, आपको कुछ पूछना है, आपको बताना है, कुछ ऐड करना है? सर अभी तक तो समझ आ रही है सर जो आपने आज समझाया। तो पहले की क्लासेस मैंने ली नहीं, तो वो मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर देखूंगा तो उसमें फिर हुआ तो इंशाल्लाह आपसे पूछूं।
सही है, अब रिकॉर्डिंग लेक्चर तो देख तो लोगे, अच्छी बात है। फिर भी अगर रीसेट क्लासेस उठवानी हो, चीज़ें करनी हो, बता देना मुझे, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे। संडेज को टाइम निकाल लेंगे। जी सर जी, लेकिन छुट्टी, वो आज का लेक्चर भेज दीजिएगा हाँ मैं सर, भेजता हूँ, आज का लेक्चर। हाँ वो तो अपलोड कर दूंगा। लेकिन एक साथ होता ना, मैं आपको बोलूँ आपका फेवरेट खाना हो जिंगर, सपोज करो मेरा तो जिंगर है, ठीक है, और बोलूँ कि 7 दिन का जिंगर एक साथ खाना है। अब एक थोड़ा बासी हो, एक थोड़ा वो हो, अब 7 दिन का, या फिर 7 दिन का चलो फ्रेश का फ्रेश भी दे दिया आप, तो आपका पेट या आपका जो दिमाग है कैपेसिटी नहीं रखता। तो कोशिश करो समहाउ उसको और ब्रेकअप कर देना। इट्स नॉट लाइक कि आप उसको अगेन एंड अगेन चीज़ों करो, उसको और ब्रेकअप कर देना। एक साथ नहीं रजेस्ट करना, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का गैप ज़रूर उसमें डालना, एड अप करना उस चीज़ को। भले उस मंजिल से जो भी आपका है डिले हो जाए, लेकिन उसको प्रैक्टिस एटलीस्ट टाइम उसको डिले कर दो। अदरवाइज वो चीज़ें जो है लॉन्ग लॉन्ग डिस्कशन में भी कर सकते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हो तो वो डिस्कशन प्ले करके आप छोड़ भी सकते हो, और डिस्कस करने के जो लॉजिक्स वगैरह हैं वो आप गैट कर लो उसको। अनटिल अनलेस कोई प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करो, चेक कराओ, उसके बाद फिर आगे बढ़ो और इस तरह उस चीज़ को क्लियर कर पाओ। ठीक है, चले फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, कल मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज, सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।